चूरू जिले से पंचायत समिति तारानगर की ग्राम पंचायत पंडरेऊ ताल के सरपंच श्रीमती दर्शना शीला जो की तारानगर सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, जिनके प्रतिनिधि दौलतराम ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि हमारी पंचायत में शिक्षा स्तर पर विशेष ध्यान देना हमारी प्राथमिकता रहेगी और पंचायत में मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुँचाना वे साथ ही ग्राम पंचायत की समस्याओं का समाधान करना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में समाज सेवी दौलतराम के अपनी पंचायत में विकास और समस्याओं के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पंडरेऊ ताल पंचायत समिति तारानगर जिला चूरू। यहां से जो सरपंच चुनी गई है श्रीमती दर्शना जी, उनके जो प्रतिनिधि है उनसे बातचीत करते हैं कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार की समस्याएं हैं, यहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण से किस प्रकार की समस्याओं का लोगों को फेस होना पड़ता है, इसके अलावा वर्तमान में ग्राम पंचायत में किस प्रकार के विकास कार्य करवाए गए हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, लोगों का उन पर विश्वास भी जगा है, तो उनसे खास बातचीत का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यह जो युवा है वो क्या आशा रखते हैं पंचायत प्रति, क्या भाव है। सर नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। नमस्कार, मैं पत्रकार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी पंचायत में आई और हमारी पंचायत की समस्याएं और जो विकास कार्य हैं उसको अवलोकन करके बताया गया है। जी जी, तो पूरा परिचय सर, आपका पूरा परिचय समाज सेवा किस प्रकार से आपके मन में भाव जगह कि मैं गाँव का सरपंच हूँ। गांव के सरपंच के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमें युवाओं का सहयोग रहा और युवाओं ने हमें प्रेरित करके और हमें ये मार्गदर्शन दिया। मैं युवाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें लायक समझा। जी, तो सर पहले भी किस पद पर रहे या पहली बार समाज सेवा में उतरे? पहले क्या करते थे? पहले समाज सेवा में मैं 10 साल हो गए गाँव में समाज सेवा करते हुए, हर काम में और गाँव में भागीदारी निभाता हूँ। जी जी, सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। जी, जिस प्रकार से युवाओं की राजनीति में भागी बढ़ी है, समाज के अंदर युवा है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्या जनता जो विश्वास करी सही है, कहाँ तक सही है मानते हो? युवाओं ने जो विश्वास किया है उस पर हम खरा उतरने के लिए कोशिश करेंगे और जो युवाओं के लिए शिक्षा के प्रति जो रुझान है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे और युवाओं खेल के प्रति ज़्यादा रुझान होते हैं, खेल ग्राउंड की पूरी भागीदारी रहेगी कि हर गांव में खेल ग्राउंड हो। जी जी, बहुत अच्छी बात कही कि युवा है वो देश का भविष्य है, युवाओं ने इनको स्पोर्ट किया सरपंच बनाया, इनका एक मन के अंदर भाव है कि प्रत्येक गांव में हमारे यहाँ खेल मैदान का निर्माण हो ताकि यहाँ से बच्चे आर्मी में जाए यानी कॉम्पिटिशन में आगे बढ़े। इसके अलावा सरपंच साहब, वर्तमान में जैसे अपन बात करते हैं पंडरेऊ ताल की, किस प्रकार की समस्या है यहाँ पर? इसके अंदर शिक्षा के लिए बहुत ही निम्न स्तर है, यहाँ सीनियर स्कूल नहीं है। जी जी, क्योंकि यहाँ पंचायत स्तर पर कोई सीनियर स्कूल नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में सीनियर स्कूल हो। जी जी, जो यहाँ लड़कियाँ पढ़ती है वो 10वीं करने के बाद बाहर नहीं बाहर भेजते नहीं गाँव खेलते हैं। जी जी, शिक्षा के अंदर बहुत ही परेशानी होती है कि सीनियर स्कूल न होने के कारण बच्चियाँ और उनका कहना भी बिल्कुल सही है कि जो विशेष तौर से बालिकाओं के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में लोग बच्चों को बाहर भेजते नहीं, इस वजह से बच्चियां वो शिक्षा से वंचित रह जाती है। तो इसके अलावा क्या किस प्रकार की, जैसे अपने यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर किसान वर्ग है, किसान 95% समथिंग लगभग खेती पे डिपेंड लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग रखते हैं ताकि किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा भरा हो? किसानों के लिए जो खेतों की मेड़बंदी है, कोई कुंड निर्माण है, पाइप वो है, उसके लिए हम नरेगा के तहत प्रयास करेंगे कि उसकी समस्या है उसका हल हो सके। जी जी जी, इसके अलावा सर साहब क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान में चिकित्सा सुविधा यहाँ पे किस प्रकार की है? चिकित्सा के अंदर हमारे यहाँ
बहुत ही प्राथमिक है जी। इसमें समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है और यहाँ चिकित्सा के अंदर बहुत ही तारानगर पास में तारानगर है जी, वहाँ जाना पड़ता है जी जी, यहाँ सुविधा बहुत ही कम है जी जी। इसके अलावा जैसे वर्तमान में क्योंकि यह नॉन क्वांट बेल्ट है, पेयजल की दिक्कत हमेशा बनी रहती है, पेयजल की समस्या क्योंकि हमने ग्राम के अंदर अभी भी देखा है लोग पानी के लिए काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार की माकूल व्यवस्था की मांग करते हैं सरकार से? मैं अभी बात हो चुकी है विधायक जी से, घर घर कनेक्शन की सुविधा जुटाने के लिए हमें बोल चुके हैं और 2024 से पहले पहले हमें पंचायत के अंदर घर घर कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी जी। बहुत अच्छी बात कही कि विधायक महोदय को भी समस्या से हमने रूबरू करवाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक घर जो नल कनेक्शन है वो जल्द ही ये इसका इस पे काम पूरा होगा। इसके अलावा जैसे क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान के जो हालात चल रहे हैं जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो लोगों को किस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं और वर्तमान में आपके क्या कदम रहे अब तक? पहले भी चुनाव से पहले भी हम कोरोना काल में पूरा सहयोग करते रहे हैं सरकार का और अभी आगे आने वाले जो गाइडलाइन मिलेगी हमें सरकार से उस गाइडलाइन का फॉलो करेंगे जी। सर मतलब पंचायती राज का जैसे अपन नाम लेते हैं तो क्या है कि भ्रष्टाचार शब्द काफ़ी जुड़ा हुआ था आसपास के ग्राम पंचायतों में, यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा कि भ्रष्टाचार बड़े लेवल पे पाया जाता, तो इसको क्योंकि युवा है तो युवा होने के नाते आपके क्या विचार है इस पर? भ्रष्टाचार पहले भी हुआ है और अभी तक इस भ्रष्टाचार की नींव है बहुत ही मजबूत है जी जी। इसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं जी जी। और हम कोशिश करेंगे अभी आने वाले टाइम में कि भ्रष्टाचार खत्म हो और हम भी इसकी मुहिम चलाएंगे जी जी जी। बहुत अच्छी बात कही कि भ्रष्टाचार हालांकि बहुत एक बड़ी दिक्कत है लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वर्तमान में जिस प्रकार से आप सरपंच बनने के बाद में क्या पंचायत में आपने विकास कार्य करवाए हैं और आगामी क्या योजनाएं करना चाहेंगे? आगामी पहला बजट है पंचायत का, हमने शिक्षा पर खर्च करने की कोशिश की है और विद्यालयों में जो भी सुविधा है जो भी काम करवाने के लायक हैं वो करवाने के लिए कोशिश करेंगे और जो पंचायत के अंदर स्कूल है विद्यालय है उसमें पहला बजट शिक्षा पर दिया है और दूसरा पानी की व्यवस्था पर भी जी है। बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहला हमारा पहली प्रायोरिटी यह रहेगी कि विशेष तौर से शिक्षा है उस पे जो पहला बजट है हम खपत करेंगे विद्यालयों में विकास कार्यों को लेकर, दूसरा बजट है इसके अलावा ग्राम पंचायत पेयजल समस्या उनका निवारण करवाना भी हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, गाँव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये देना चाहूँगा जो सरकार से गाइडलाइन मिले उस गाइडलाइन का फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहो और मास्क लगाओ, बाहर निकलो तो मास्क लगा के निकलो। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई, सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी दी गई है उसका पालन करें। तो यह थी हमारी खास मुलाकात पंडरेऊ ताल के जो सरपंच प्रतिनिधि है उनसे, बने रही आप न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनसे पत्रकार जी से कि हमें आते रहे, गाइडलाइन करते रहे। धन्यवाद।